जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। कहते हैं जो सच्ची श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, दुश्मन परास्त हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ करने पर ऐसा विवाद हुआ कि महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को जेल जाना पड़ा। नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस लगाया गया है। अब बीजेपी कह रही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राजद्रोह हो गया। चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश की सरकार 5 बार अजान की अनुमति देती है और सड़कों पे हर शुक्रवार को लाखों लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति देती है, वहीं पर हनुमान चालीसा के लिए देशद्रोह के मुकदमे में लोगों को जेल में बंद कर रही है। ये अपने आप में विरोधाभासी है और अत्यंत दुख का विषय है। वैसे राजद्रोह के आरोप का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले सालों में कई लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगे हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी के मुताबिक साल 2014 में राजद्रोह के 47 केस दर्ज हुए, जिनमें 58 गिरफ्तारियां हुई और एक ही दोषी साबित हो सका। साल 2015 में राजद्रोह के 30 केस दर्ज हुए, जिनमें 73 गिरफ्तारियां हुई और कोई दोषी साबित नहीं हुआ। साल 2016 में राजद्रोह के 35 केस दर्ज हुए, जिनमें 48 गिरफ्तारियां हुई और एक दोषी साबित हुआ। साल 2017 में राजद्रोह के 71 केस दर्ज हुए, जिनमें 228 गिरफ्तारियां हुई और 4 दोषी साबित हुए। साल 2018 में राजद्रोह के 70 केस दर्ज हुए, जिनमें 56 गिरफ्तारियां हुई और 2 दोषी साबित हुए। साल 2019 में राजद्रोह के 93 केस दर्ज हुए, जिनमें 96 गिरफ्तारियां हुई और 2 दोषी साबित हुए। इस तरह 2014 से 2019 के बीच राजद्रोह के कुल 326 केस दर्ज हुए, 559 गिरफ्तारियां हुई, 10 दोषी साबित हुए। संसद में बताया गया था कि साल 2020 में राजद्रोह के 70 से अधिक मामले सामने आए। हम आपको बताते हैं कि राजद्रोह का कानून आखिर है क्या। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ IPC की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है, तो वो भी राजद्रोह के दायरे में आता है। अदरवाइज ये तो एक बड़ा स्पेसिफिक सेक्शन है IPC की धारा 124A। इसके अकॉर्डिंग तो जो स्पेसिफिक जो सेशन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही राजद्रोह का मुकदमा लगता है। लेकिन आजकल एक प्रचलन हो गया है कि किसी मामले में पुलिस भी अपनी चीजों को देखती नहीं है और किसी भी FIR में 124A का उल्लेख कर देती है और उसको इंटीग्रेट कर देती है। तो इसको एक सियासी कह सकते हैं। बाकी इसको जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है उसमें जाके चार्जशीटों को फिर जस्टिफाई करना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता है। कई केसेस में हमने देखा है कि उसको कोर्ट में फिर ये चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाती है। हम आपको बता दें कि राजद्रोह गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। आपको याद होगा कि JNU राजद्रोह केस में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, पूर्व छात्र उमर खालिद समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब भी मामला कोर्ट में है। दिल्ली सरकार ने केस चलाने की मंजूरी दी तो कन्हैया कुमार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल की मांग की और कहा कि अब इस केस को गंभीरता से लिया जाए। 2020 में हार्दिक पटेल को राजद्रोह मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 3 दिन जेल में रहना पड़ा और फिर उन्हें जमानत मिली। हार्दिक पटेल के खिलाफ पाटीदार आरक्षण रैली के बाद हिंसा के मामले में दायर राजद्रोह के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। विवादास्पद राजनीतिक कार्टूनिस्ट और कार्यकर्ता असीम त्रिवेदी को साल 2010 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि, डॉक्टर कफील खान से लेकर शफूरा जरगर तक ऐसे कई लोग हैं जिन्हें राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आज तक के